और सबसे वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जीरो सब्सक्राइबर है, जीरो व्यूज से अभी अभी चैनल क्रिएट किया, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी वीडियो अपलोड करेगा तो व्यूज आएगा, मतलब आएगा। तो वीडियो में ऐसा कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ टिप्स बताऊंगा, अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपका, आपके पास अगर जीरो सब्सक्राइबर है फिर भी आपका वीडियो में व्यूज आना शुरू हो जाएगा। जितना भी मेरे पास दिमाग है, जितना भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस मेरे पास है, ऐसा कोई एक्सपर्ट में नहीं हो, उसी को मैं आपको इतना आसानी से समझाऊंगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी 0% भी YouTube पर नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं जैसे बताऊंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो किस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। इससे क्या होगा कि मेरा आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो बिना देर के आगे बढ़ते और वीडियो को करते स्टार्ट। तो गाइस, जब कोई YouTube चैनल क्रिएट करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वही सोच के आते हैं कि YouTube में आएगा, वीडियोस बनाएगा, फेस वैल्यू बनाएगा और YouTube से पैसा आएगा, सपना पूरा करेगा, अच्छा खासा पैसा आएगा। लेकिन जब कोई चैनल क्रिएट कर लेते हैं तो उनके पास जीरो सब्सक्राइबर रहता है, जीरो व्यूज रहता है। जब भी चैनल क्रिएट करते हैं तो जीरो सब्सक्राइबर रहता है सबके पास, जैसे कि मेरे पास भी था, आपके पास भी था, अभी कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उसी टाइम पे आपको एक भी व्यूज नहीं आता है आपको वीडियो अपलोड करते हैं तो। लेकिन यूट्यूब में और एक ऑप्शन मिलता है जिसे कि आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। लेकिन शेयर करने से फायदा क्या है, जब आप किसी के पास शेयर करोगे तब भी व्यूज आएगा, शेयर करना बंद कर देंगे तो व्यूज नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है। आपके पास तो सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन व्यूज आएगा, मतलब आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीडियो का जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको करना पड़ेगा ठीक से। अगर आपको वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है आपको मालूम नहीं है तो आपका भाई आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझा देगा, आप 100% समझ जाओगे। अभी मैं आपको वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन सीधा से बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप आराम से समझ जाओ। मान लेते कि आप एक गांव में रहता है, आपको एक पार्सल कुरियर करना है बॉम्बे में, तो आप कुरियर ऑफिस में गया और उधर जाके आप कुरियर कर दिया, जो मतलब जिस स्टेट का माल है उस स्टेट लिखा, डिस्ट्रिक्ट लिखा, लेकिन उसमें आप लैंडमार्क जो होता है लैंडमार्क वो आपने नहीं डाला, इसमें क्या होता है पूरा एड्रेस होता है, तो उस पार्सल का जो ऑप्टिमाइजेशन है ऑप्टिमाइजेशन आप नहीं किया, इसलिए जो आपका दोस्त उधर बम्बई में रहता है उसके पास वो पार्सल नहीं पहुंचेगा। जैसे पार्सल ऑफिस में जाएगा उधर डिलीवरी वाला जो लोग रहता है वो लेकर जाएगा, लेकिन उसमें जो पूरा एड्रेस है पूरा एड्रेस नहीं मिलेगा, इसलिए पार्सल वो बंदा तक नहीं पहुंचेगा। तो उस तरह से आपका वीडियो का की ऑप्टिमाइजेशन भी करना पड़ेगा। आपका वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, आपका पास अगर जीरो सब्सक्राइबर होगा फिर भी आपका वीडियो में व्यूज आना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। ऑप्टिमाइजेशन होता है एक कीवर्ड, कीवर्ड को ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, एसईओ भी बोलते हैं। तो मैं आपको जो ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना वो मैं आपको समझा देता हूं। तो आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं, मान लिया कि आपका वीडियो का टाइटल है हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो वो एक कीवर्ड होता है, लेकिन इसको ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो कीवर्ड है पहले आपको टाइटल में डालना पड़ेगा, बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा, वही टाइटल उठा के आपको टेक्स्ट में डालना पड़ेगा, तो वो होता है वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन। सेम टू सेम जो आप पार्सल भेजा था पूरी एड्रेस लिखा था तो आपका दोस्त के पास गया, तो उस तरह से आप इसमें ऐसा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में करेंगे, टाइटल में करेंगे, टेक्स्ट में करेंगे, तो आपका भी वीडियो का एड्रेस जो है ना बराबर हो जाएगा। एड्रेस बराबर होगा तो लोगों तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। तो वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन ऐसे करना है, मैं आपको बस एक कीवर्ड का बोला। जैसे आप YouTube वीडियो अपलोड करते हैं तो आप दो तीन कीवर्ड डालते हैं, तो मान लीजिए और एक मैं कीवर्ड आपको बता देता हूँ, YouTube चैनल ग्रो कैसे करें, तो वो आपको टाइटल में डालना पहले, वही उठा के आपको डिस्क्रिप्शन में डालना, वही उठा के जाके आपको टेक्स्ट में डालना, तो जो आपका जो वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन है वो सही से हो जाएगा। सही से होने के बाद जब कोई बंदा ऐसा सर्च करेगा, आपके पास सब्सक्राइबर जीरो भी रहेगा ना भाई, फिर भी आपका वीडियो जाके उसका सामने शो करेगा। तो इस तरह से वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन आप करेंगे तो आपके पास जीरो सब्सक्राइबर होगा फिर भी आपकी वीडियो में थोड़ा बहुत व्यूज तो आ जाएगा। जिससे आपका व्यूज आ जाएगा इसी से आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगेगा। इसके लिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप ये ऑप्टिमाइजेशन जैसे मैंने बोला है इसे ठीक करके डालो। अगर आप चाहते कि मैं प्रैक्टिकली करके कैसे करना दिखाना चाहता हूं तो आप मुझे कमेंट करके
बोल देना, मैं आपको दिखा दूंगा। तो गाइस मेरा वीडियो, मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा टिप्स आपको कैसा लगा? अगर कुछ भी अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज नए नए वीडियो बनाते रहता हूं, नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।